अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, हम कर रहे थे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर फोर है। आपको जो प्रोवाइडेड डाटा है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं। स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट एक ही है, लेकिन आपको इसके थ्री पार्ट दिए हुए हैं। तो इसका पहला पार्ट मैं आपको समझा देती हूँ, उसके दूसरे दो पार्ट जो है वो आपको इसी फार्मूले में इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह करने हैं। नौ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड आपने मालूम करने हैं। मैस ऑफ कार्बोनिक एसिड आपको दिया गया है 16 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 आपको जो है वो अंडरस्टूड होता है वो है 62 ग्राम पर मोल। अब आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो आपके पिछले न्यूमेरिकल हैं सब में ये मैं ये बहुत दफ़ा ये फार्मूला आपको बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने के लिए या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट मालूम करने के लिए या नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। अब गिवन डाटा है, आपको मास दिया हुआ है, मोलर मास आपको पता है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना सॉरी डिवाइड करना है 16 ओवर 62 और आपके पास आ जाएंगे 0.25 मोल्स। अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं किसके, H2CO3। ठीक है, तो आपने लिखना है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है। तो आपके पास नंबर मोल मोल्स हैं 0.25 मल्टीप्लाई 6.02 10 रेस टू पावर 23, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने जो है ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब सेम यही दो पार्ट अगले हैं, सिर्फ ये है कि उसमें आपके पास जो है वो कंपाउंड फ़र्क है, यानी यहाँ पर था कार्बोनिक एसिड और यहाँ है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। ठीक है, और आपको उसका दिया हुआ है 20 ग्राम आपको दिया हुआ है, ज़रा देख रहे हैं लिखने में कुछ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 20 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास इसका है 63 ग्राम पर मोल, ज़रा ये देख रहे हैं मार्क कर नहीं चल रहा सर और आपने इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही मालूम कर रहे हैं। इसी का तीसरा पार्ट है, आपको ग्लूकोज दिया हुआ है C6H12O6 और 30 ग्राम आपको दिया हुआ है, मास आपको दिया और उसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। तो आपने यही फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का लगाना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स लगा कर ये सेम टू सेम यही फार्मूला लगना है, सिर्फ अमाउंट का फ़र्क आ जाएगा क्योंकि कंपाउंड जो है वो वहाँ पर डिफरेंट। तो ये आपके तीनों न्यूमेरिक ये जो फोर्थ न्यूमेरिकल है इसके तीन पार्ट हैं ये सॉल्व हो गए।